अरे तुम, तुम्हें मैंने कहीं देखा है पहले। अरे बिल्कुल देखा होगा, मैं नितिन। और तुम कैसे हो इतने दिनों के बाद में यहाँ? अरे वाह नितिन, तुमने तो मुझे पहचान लिया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगा? क्योंकि कॉलेज टाइम में तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया था। और क्या कहा था, मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं कभी। अरे क्या यार ज्योति, तुम भी इतनी पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई हो। ये सब छोड़ो और बताओ कैसे हो। छोड़ा तो तुमने मुझे था, और क्या कह के गए थे तुम कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। आज तुम्हें देख के लग रहा है कि शक्ल दिखाने लायक तो तुम नहीं रहे आज। शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहा? अरे मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मेरे कहने का मतलब ये है कि कॉलेज में तो बहुत अलग एटीट्यूड था तुम्हारा, वो आज तो नहीं दिखता। कॉलेज में तो बहुत बड़ी बड़ी फेंका करते थे कि मेरे बड़े बिजनेस होंगे, अपनी गाड़ी होगी, ये होगा वो होगा, और आज देखो यहाँ चल रहे हो क्या कैब ढूंढने। अरे ज्योति मैं तो बस यहाँ। अरे बस बस, तुम्हें क्या लगता है ये जीन्स और शर्ट पहन के तुम कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन लग रहे हो? बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए ना बड़ा दिमाग चाहिए होता है, और दिमाग तो तुम में है नहीं। वैसे तुम्हें एक बात बोलूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो, तुम्हें इस हालत में देख के ना मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। तुम्हें सुकून मिल रहा है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि तुमने मेरे दोस्तों के आगे मेरी बेइज्जती की थी। क्या कहा था तुमने कि मैं गोल्ड डिगर हूँ, दोगली हूँ, धोखेबाज हूँ। सही कहा था तुमने, तभी शायद आज मैं इतनी खुश हूँ। और तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड है ना, जो मैं बोलती हूँ वो लाके देता है मुझे। वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, मिलवाती हूँ मैं तुम्हें उससे। सौरभ इससे मिलो, ये फटीचर ना कॉलेज टाइम में मेरा बॉयफ्रेंड हुआ करता था। अरे सर आप यहाँ? तुम इसे सर क्यों बोल रहे हो? अरे ज्योति तुम कैसी बात कर रही हो? यही तो मेरे कंपनी के मेरे बॉस हैं, जिनकी मैं तारीफ तुम्हारे सामने अक्सर किया करता था। और तुम्हें पता है कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ना सर लंदन चले गए थे, और वहीं से ही अपना बिजनेस रन करते थे। पर सर आप तो नेक्स्ट वीक आने वाले थे, आज कैसे आ गए? अरे वो कुछ नहीं, मुझे घर पे थोड़ा जरूरी काम था, तो मैंने सोचा एक वीक पहले आ जाता हूँ। और बाकी यहाँ पे मैं ड्राइवर का वेट कर रहा था, वो की लेके आ रहा था। सर ये लो चाबी, वो थोड़ा ट्रैफिक था इस वजह से लेट हो गया। कोई बात नहीं तुम जाओ। और ज्योति तुम जैसे तुम कॉलेज टाइम में थे ना, आज भी तुम वैसे की वैसी हो, गोल्ड डिगर। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे कॉलेज टाइम में ही छोड़ दिया था, मैं तो अपने आप को काफी लक्की फील करता हूँ। अगर आज तुम मेरे साथ होते ना तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती। और एक चीज तो सच है, तुम ना कॉलेज टाइम में मेरे पास मेरे पैसे देख कर आए थे, और आज तुम सौरभ के साथ में, पता क्यों? क्योंकि उसके पास में पैसा है। और तुम्हें एक चीज बताऊं, अगर आप किसी से सच में प्यार करोगे ना तो पैसा ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। इंसान को हमेशा मेहनत करनी चाहिए और अपने पैसे के ऊपर बिलीव रखना चाहिए। मेहनत करोगे तो पैसा अपने आप आएगा। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं तुम जैसी गोल्ड डिगर लड़की से बातें क्यों कर रहा हूँ। चलो हटो मेरे आगे से।